हेलो क्यूरियस चिल्ड्रेन वेलकम वन अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिंग फॉर यू और आज हम लोग पोलिनल सेम चैप्टर नंबर टू पोलिनल एक्सरसाइज टू पॉइंट टू से हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द जेरोज ऑफ द फॉलोइंग कॉडेटिक पोलिनमल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जेरोज एंड द कोफिशंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलरेडी रोमन वन टू और थ्री का सॉल्व किया था टुडे वी हैव रोमन नंबर फोर और क्वेश्चन क्या है तो देखिए पहले प्रीवियस जो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वो तीनों क्वेश्चन आपका ये थ्री टर्म वाला था मतलब ट्राइनोमेल वाला क्वेश्चन था तो उसको हम लोग आसानी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग कर कर रहे थे मतलब फैक्टराइजेशन कर पा रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग अभी दूसरी थोड़ा दूसरा तरीका अपनाएंगे फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू इक्वेल टू तो देखिए क्या करना है इसको स्प्लिटिंग इस द मिडिल टर्म नहीं करेंगे लेकिन मैं कुछ करता हूँ इसका मतलब कुछ उपाय हो तो होगा यहाँ पे। तो फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू तो ये दोनों में कॉमन आप लोगों को क्या पता क्या चल रहा है तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एट मतलब एट इज़ फैक्टर ऑफ इधर फोर देखिए यू स्क्वायर देखिए और उस तरफ देखिए आप लोग एट यू देखिए तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है फोर एट uh, मतलब फोर इन टू मतलब फोर नंबर uh, पे आपका हुआ फोर इज कॉमन फैक्टर और साथ में वेरिएबल uh, में यू कॉमन होगा दैट मीन्स यू विल राइट फोर फोर यू फोर यू विल बी द कॉमन फैक्टर तो अगर फोर यू कॉमन लिया तो बचेगा क्या तो ये फोर यू अगर कॉमन लेता है हम लोग फोर यू तो बचेगा यू फर्स्ट टर्म वाला यू बचेगा तो सेकेंड टर्म से एट यू जो था तो कॉमन ले लिया फोर यू फोर भी लिया यू बी कर लिया मतलब फोर टू जा यहाँ पे बचेगा क्या टू बचेगा तो देखिए सो फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू इक्वल जेरो जेरो कब होता है इफ यू वैल्यू इक्वल जेरो और यू वैल्यू इक्वल माइनस टू अभी ये कैसे हुआ तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को सोचना पड़ेगा तो आप लोग देखिए ज़ेरो फाइंड करने का तरीका मैं कर रहा था फोर यू इक्वल जेरो देखिए पहला पहला इसको लीजिए फोर यू इक्वल टू जेरो तो उसके बाद आप लोग को यू इक्वल जेरो बाई डिवाइडेड बाई फोर इज जेरो तो फिर दूसरा आप लोग यू प्लस टू इक्वल जेरो यू इक्वल माइनस टू तो इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग को पता होगा यू का वैल्यू अगर ज़ेरो होता है तो ये पोलिनोमल जेरो होगा ये पोलिनोमल का वैल्यू टोटली जेरो होगा और अगर u का वैल्यू माइनस टू होता है तब भी ये पोलिनॉमल का वैल्यू जेरो होगा डेट मीन्स दे आर फोर जेरो एंड माइनस टू आर देरो ऑफ फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू तो आप लोग अभी हम लोग नेक्स्ट वेरिफिकेशन करेंगे साम ऑफ जेरोस को साम ऑफ जेरोस साम ऑफ जेरोस जेरो प्लस माइनस टू प्लस साम मतलब प्लस होता है तो एक्चुअली मैं डायरेक्टली लिख दे लिख देता हूँ माइनस टू तो मैं इधर क्या होगा वो मैं बाद में देख लूँगा तो प्रोडक्ट ऑफ जेरोस प्रोडक्ट ऑफ जेरोस जेरो इंटू माइनस टू इक्वल टू जेरो स्टेप अभी मैं जा रहा हूं तो साम एक्चुअली यहां पे आप लोग ए का वैल्यू क्या होता था ए का वैल्यू फोर बी का वैल्यू एट और सी का वैल्यू कुछ भी नहीं जेरो डेट मीन्स अभी देखिए साम ऑफ जेरोस साम मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट का मतलब सी बाई ए तो देखिए आप लोग माइनस बी बाई ए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या होगा माइनस एट बाई फोर तो देखिए आप लोग इसका अकॉर्डिंग टू दिस और सी बाई ए का वैल्यू क्या होगा सी मतलब जीरो ए का मतलब फोर जेरो बाई फोर मीन्स जेरो तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए का वैल्यू यहाँ पे आप लोग लगाइएगा माइनस बी मीन्स एट बाई फोर और यहाँ पे लिखिएगा आप लोग सी बाई ए का वैल्यू सी मतलब जीरो, ए का मतलब फोर तो आप लोग हम आप लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं माइनस एट बाई फोर इज माइनस टू ये एट का मतलब क्या है एट मीन्स एट मीन्स क्विफिशेंट ऑफ यू और आगे माइनस में और दूसरा हम लोग लिखेंगे कॉफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर और ये जेरो मतलब यहाँ पे जेरोट टर्म नहीं है मतलब कंस्टेंट टर्म वैल्यू इज जेरो कंसटेंट टर्म बाय केंट ऑफ यू स्क्वायर तो देखिए हम लोग उसको वेरीफाई भी कर लिए तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है रोमो नंबर फाइव तो क्वेश्चन इज टी स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ये भी टू टर्म वाला है और यहाँ पे देखिए प्रीवियस वन टू टर्म था कुछ ना कुछ तो कॉमन था यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं तो देखिए इसको क्या करना है अभी तो मैं क्या करता हूं अभी इसको क्या करता हूं टी स्क्वेर माइनस अभी देखिए फिफ्टीन 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 को एक्चुअली फिफ्टीन का मतलब क्या होता है अगर कोई मैं मतलब में कोई एक ट्रिक्स लगा के अगर फिफ्टीन का वैल्यू और फिफ्टीन मतलब जैसे कि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी थोड़ा बहुत अगर स्क्वायर कर पाया हमें तो एक्चुअली फिफ्टीन का मतलब रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर और रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर रूट फिफ्टीन स्क्वायर देखिए तो रूट फिफ्टीन स्क्वेयर हम लोग लिख सकते हैं रूट फिफ्टीन होल स्क्र या रूट फिफ्टीन स्क्वेयर देखिए फिफ्टीन का मतलब रूट फिफ्टीन होल स्क्वेयर तो आप लोग को आप लोग 15 का मतलब रूट फिफ्टीन होल स्क्र तो अभी ये कैसा नज़र आ रहा है तो आप लोगों को शायद ये नज़र आ रहा होगा आ, अभी मैं लिख लेता हूँ इसको तो एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बहुत ही मतलब फेमस आइडेंटिटी ये नाइन में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास एट में भी पढ़ा होगा लेकिन अल्जबरा जब से शुरू हुआ ये आइडेंटिटी तब से हम लोगों को मिला होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी इसकोरिकल ए प्लस बी ए माइनस बी ए मतलब टी बी मतलब 15. ओके okay. तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी इसको हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर पाए देखिए आफ्टर फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को पता होगा कितना आसानी से हम लोग ढूंढ सकते हैं so, सो टी स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन इक्वेल जेरो इफ टी इक्वेल अभी देखिए यहाँ पे प्लस रूट फिफ्टीन है तो इसको मैं माइनस रूट फिफ्टीन लिख सकता हूँ क्योंकि आ, अगर प्लस में होता है तो उसका जेरो उसका वैल्यू माइनस पे होगा एंड और टी इक्वल T इक्वेल रूट 15. Therefore, minus root 15 and root 15 are the zeros of t square minus 15. Okay. अभी हम लोग लिख लेंगे sum ऑफ जेरोस sum ऑफ जेरोस प्रोडक्ट ऑफ जेरोस पहले हम लोग उसका साम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जेरोस तो साम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन तो ये तो जेरो आएगा साम ऑफ जेरोस जेरो आ गया क्योंकि माइनस माइनस रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन तो जेरो आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन इक्वेल इक्वेल फिफ्टीन तो देखिए आप लोग माइनस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई तो पहले आप लोग देखिएगा रूट फिफ्टीन रूट फिफ्टीन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा रूट फिफ्टीन होल स्क्वायर मतलब उसका वैल्यू फिफ्टीन होगा और ये माइनस तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट सम ऑफ जेरोस ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? व्हाट इज़ कॉन्फ्यूशन ऑफ टी स्कोर ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू माइनस फिफ्टीन और बी का वैल्यू इट्स नॉट देयर, बी का वैल्यू बी का वैल्यू नहीं है और सी का वैल्यू यहाँ पे हो गया माइनस फिफ्टीन तो माइनस बी बाई ए जेरो बाई ए मीन्स वन और सी बाई ए माइनस फिफ्टीन बाई ए मतलब वन तो देखिए जेरो मतलब बी माइनस बी बाई ए जेरो बाई ए मीन्स वन तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोइफिशेंट ऑफ टी माइनस बाई कोइफिशेंट ऑफ टी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए जेरो पे हम लोग कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं देते जेरो मतलब कुछ खास नहीं होगा मतलब जेरो नेगेटिव होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव होने से भी तो इसलिए मतलब ये तो मैं रूल का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई हैव रिटन दिस माइनस ओके तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी बाई ए का वैल्यू माइनस फिफ्टीन बाई वन तो कंस्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ टी तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर पाए आप लोग देखिए फिर रोमन नंबर सिक्स थ्री एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स माइनस फोर तो ये आ गया हम लोग का थ्री टर्म वाला जो जो कि हम लोग को हम लोग के लिए फीमिलर थे सो मैं क्या करता हूँ अभी मैं ऐसा क्या करता हूँ इस पर तो मैं क्या करता हूँ ए का वैल्यू ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ थ्री फोर या टूवेल्व थ्री इंटू फोर इक्वल टूएल्व वो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ साइन uh, uh, उतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा ओके okay, खुद ब खुद uh, मुझे पता चल जाएगा कि मतलब कौन कब क्या करना है प्लस करना है कब माइनस करना है तो देखिए फिर वन बीच वाला टर्म वन है तो फास्ट फास्ट एंड लास्ट टी यू सी कोई ऑफ फर्स्ट टर्म और कॉप्यूशन ऑफ फर्स्ट टर्म इन सेक्स स्क्वेयेर और कंस्टेंट राम ये देखिए ए का वैल्यू और सी का वैल्यू थ्री फोर जाए ट्वेल्व ट्वेल्फ आ गया मैं नेगेटिव उसको नहीं ले रहा हूँ अभी अभी देखिए वन मतलब फोर माइनस थ्री वन होता है फोर माइनस थ्री क्या होता है वन होता है और फोर इंटू थ्री क्या होता है ट्वेल्फ होता है तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ थ्री एक्स स्क्वेर माइनस वी कैन से आई वल टेक कॉमन तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री मतलब वन और लास्ट में होगा माइनस फोर तो क्या करेंगे हम लोग इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस फोर तो आप लोग एक काम कर सकते हैं थ्री एक्स स्क्वेयर लगभग सेम टर्म्स को साथ में लिखिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं हम लोग क्यों क्योंकि माइनस फोर एक्स को इधर फोर का साथ नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी मतलब इस तरीके से करना चाहता हूँ तो थ्री एक्स को मैंने थ्री एक्स स्क्वेयर का साथ लिखा है और फोर एक्स को फोर का साथ तभी मतलब कॉमन लेने जी होगा तो देखिए ये दोनों में कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा है थ्री एक्स यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पे थ्री एक्स तो ब्रैकेट में क्या होगा ब्रैकेट में होगा थ्री और सॉरी एक्स प्लस वन कैसे थ्री एक्स कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचेगा इधर वन बचेगा यहाँ पे बचेगा एक्स तो ये दोनों में कॉमन देखिए माइनस फोर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो बचेगा क्या एक्स तो माइनस क्या होगा प्लस होगा क्योंकि माइनस हम लोग निकाल लिया कॉमन तो ये वन होगा एक्स प्लस वन देखिए तो हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस फोर लिखिए ये थ्री एक्स माइनस फोर और ये एक्स प्लस वन दोनों कॉमन था इसलिए मैंने एक बार ही लिखा स्क्वायर ऐसे तो अभी सो थ्री एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल जेरो इफ एक्स इक्वल तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि एक्स का वैल्यू फोर बाई थ्री होना चाहिए इसका ज़ेरो क्या होना चाहिए फोर बाई थ्री देखिए फोर बाई थ्री और एक्स इक्वल माइनस वन कैसे अभी मैं आप लोग को बताता हूँ तो आप लोग क्या कीजिएगा थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल ज़ेरो कर दीजिए उसके बाद थ्री एक्स इक्वल फोर एक्स इक्वल फोर बाई थ्री अगर डायरेक्टली आप लोग देख के भी uh, देख के भी आप लोग लिख सकते हैं माइनस फोर मीन्स फोर बाई थ्री देयर फोर माइनस वन एंड फोर बाई थ्री आर द जेरोस ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर तो अभी साम ऑफ जेरोस तो साम ऑफ जेरोस फिर उसके बाद लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ जेरोस प्रोडक्ट ऑफ जेरोस तो साम ऑफ जेरोस तो माइनस वन प्लस फोर बाई थ्री इक्वल क्या होगा तो ये थ्री वन या थ्री कीजिएगा आप लोग माइनस थ्री प्लस फोर बाई थ्री मीन्स कैसे

C by a, C means minus 4 by 3, minus 4 by 3. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस माइनस वन बाई थ्री इक्वल माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेर तो ये होगा आप लोग का जो कि प्रोडक्ट सी बाई ए माइनस फोर बाय थ्री कंस्टेंट टर्म तो मैं इसको फिर वापस से नहीं लिख रहा कंस्टेंट टर्म बाई क्यूशन ऑफ एक्स तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए